मुकदमा दर्ज करवाने के लिए महीना हो गया, चक्कर काट रही है महिला थाना से, और एसपी को भी पेश हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चक्कर काटने जाते हैं तो आपकी कार्रवाई चल रही है, हमें कोर्ट का आदेश अभी तक आया नहीं है, हमें ऐसे धक्का देके निकाल देते और कार्रवाई आगे कर नहीं रही है। ऊपर देखो क्या हुआ, क्या मेरे ससुर वाले जी मुझे परेशान करते और मारपीट करते। अच्छा, तो कारण किस बात को लेकर? दहेज को लेकर परेशान करते हैं और मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देते। पढ़ना चाह रही हो? हाँ। कितनी तक पढ़ी हुई हो? 10वीं पास। तो क्या बोलते हैं, क्यों नहीं पढ़ना? बस के पढ़ाई करनी नहीं है। अच्छा, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाह रहे हो? मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, पढ़ाई करके मैं आगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई करने नहीं देते। कौन कौन मना करता? पति मना? मेरा पति सब, पूरा ससुराल, पूरे सास देवर पति सब परेशान करते। क्या बोलते हैं? दहेज के लिए परेशान करते हैं, और मेरे पिताजी है नहीं, मेरी मम्मी ने अपनी ऐसी के द्वारा मुझे सब दे दिया था, फिर भी मुझे परेशान किए जा रहे हैं। अब मांग कितनी कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? जब दहेज दे दिया था उस वक्त, अब और क्या मांग रहे हैं? कुछ पैसा वैसा कुछ मांग रहे हैं? 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं और 4-5 तोला सोना गहना मांग रहे हैं। फिर आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? हाँ, 6 तारीख को किया था, कार्रवाई कर नहीं।